साथ आम खबर शामिल करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने फी लीटर पेट्रोल पर 17 रुपए का मार्जिन मांग लिया है। डीलर्स मार्जिन में 100% इजाफे के लिए चेयरमैन ओगरा को खत लिख दिया गया। डीलर्स ने पेट्रोल और डीजल पर 8.36 रुपए का मजीद इजाफा मांगा है। डीलर्स पहले भी फी लीटर पर 8.64 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सवाल से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज कफील अहमद से। जी कफील बताइएगा। देखिए अवाम के लिए बुरी खबर ये कि पेट्रोलियम डीलर्स ने फी लीटर जो पेट्रोल पर 17 रुपए लीटर पर बड़ा मार्जिन जो है वो इजाफा मांग लिया और डीलर्स ने पेट्रोल और डीजल पर 8.36 रुपए का इजाफा मांगा है, जबकि डीलर्स इस वक्त जो है वो पेट्रोल और डीजल पर मैं आपको बताऊं कि 8.64 रुपए जो है वो मार्जिन ले रहे थे और डीलर ने हुकूमत से इतने बड़े मार्जिन में जो है वो 100% इजाफा मांगा गया। इस हवाले से जो डीलर जो उनके मुताबिक चेयरमैन ओगरा को जो है वो हंगामी तौर पर जो है वो खत लिखा गया। मैं आपको बताऊं कि ओगरा की जानब से जो हालिया इजाफे की तजवीज़ को जो है वो डीलर ने मुस्तरद किया है और मैं कहना है कि ओगरा की जानब से जो मुजवजा मार्जिन की कैलकुलेशन है उसको किसी भी तौर पर जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा और ओगरा ने OMCs के लिए जो है वो नए मार्जिन में 1.40 रुपए जबकि डीलर के मार्जिन में 1.35 रुपए का इजाफा जो है वो तजवीज़ किया था। 17 रुपए इजाफे के बाद जो डीलर से कहने के इसमें रीजनलाइजेशन जो है कि बड़ा इजाफा मांगा है और अब देख रहे हैं कि ओगरा इसमें जो है वो कितना इजाफा जो है वो सजेस्ट करती है। नुमाइंदा बोल न्यूज कफील है मैं तफसील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।